श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्गाश्रम वटवृक्ष सायंकाल के समय 7 जून 1941 को दिया गया। पैड़ संख्या 116, प्रवचन संख्या 4। विषय: जीविका की आपत्ति नहीं हो तो रात दिन भजन करें। गीता के 6 अध्याय के 24वें श्लोक में आया है, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके इस प्रकार अचिंत्य हो जावे। पहले स्मम काय शिरोग्रीवम, गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक के अनुसार आसन लगाकर बैठें, फिर संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का त्याग कर दें। मन से पूछें, तुझे क्या चाहिए? यदि उत्तर मिले कुछ नहीं, फिर अंतर्मुख हो जावे, बाहर के विषयों को भुला दें। फिर गीता के 6 अध्याय के 25वें श्लोक में आया है, शनै शनै रूपमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित्तपि चिन्तयेत्। अर्थात क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। फिर सात्विक धृति के द्वारा आहिस्ते आहिस्ते विवेक विचार पूर्वक संकल्प रहित होवे। सात्विक धृति के द्वारा फिर मन को एक विज्ञानानंद घन परमात्मा में लगा दे। फिर सिवाय ब्रह्म के न किंचित अपि चिन्तयेत्, यानी परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। फिर यदि मन चला जावे तो उसे बार बार फिर ब्रह्मा परमात्मा में लगा दे। स्वप्नवत मृग जल की तरह मन को समझा कर संसार को भुला दे। इस प्रकार एकदम संकल्प रहित हो जावे। अपनी दृष्टि के आधार ही सृष्टि, यह समझकर पहले सृष्टि का अभाव कर दें, फिर दृष्टि का भी अभाव कर दें। यह एकांत काल का साधन है। यह सब बातें गीता तत्वांक यानी गीता तत्व विवेचनी में समझाई गई हैं। गीता तत्व विवेचनी में देख सकते हैं। मैं उन स्थलों के श्लोक नंबर बतलाता हूँ। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 20 से 25 तक, अध्याय 6 श्लोक संख्या 24 एवं 25, अध्याय 7 श्लोक संख्या 12, अध्याय 9 श्लोक संख्या 4, 5 एवं 6, ये सब श्लोक मददकारक हैं। अध्याय 13 श्लोक संख्या 15, 27 एवं 30, अध्याय 14 श्लोक संख्या 19 एवं 20, ये श्लोक व्यवहार काल के हैं।
अध्याय 18 श्लोक संख्या 50 से 55 तक, अध्याय 5 श्लोक संख्या 8, 9 एवं 17, अध्याय 3 श्लोक संख्या 28, अध्याय 14 श्लोक संख्या 19 एवं 20। ये उपर्युक्त श्लोक निर्गुण निराकार के विषय के हैं। एकांत में साधन करने से साधन बढ़े तभी काम छोड़ना चाहिए, नहीं तो आलस्य प्रमाद में समय बीतता है। इस तरह नहीं हो तो काम नहीं छोड़ना चाहिए। पहले साधन का दायरा बढ़ावे, काम छोड़े नहीं, काम ही उसे छोड़ दे। छोड़ने से छूटना अच्छा। ध्यान के लिए तो एकांत स्थान ही ठीक है। एकांत में मन लगे और जीविका की आपत्ति नहीं होवे तो रात दिन भजन करें। उत्तम स्थान उत्तम काल का इनका भी महत्व है ही। पहले पहले काम काज शनै शनै धीरे धीरे छोड़ें, फिर मजा आने लगे तो ज्यादा छोड़ें। भीतरी त्याग एक नंबर, बाहरी त्याग दो नंबर, दिखावटी त्याग तो सबसे खराब है, वह तो दंभ है। गोपियां भगवान को साक्षात परमात्मा समझती हुई प्रेम करती थी, अद्वैतवाद का वे निषेध करती हैं। ब्रह्म का ज्ञान अभेद रूप से नहीं जानती थी, भक्ति में यह दोष नहीं है। गोपियों का भगवान में बहुत प्रेम था, भगवान की बंशी में ऐसा अद्भुत रस था जिसे सुनकर वे पागल सी हो जाती थी। जैसा गोपियों का भगवान में प्रेम था वैसा ही हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। गोपियां सगुण निर्गुण समग्र के तत्व को जानकर ही प्रेम करती थी। गोपियों का अहेतुक शुद्ध प्रेम था। वे कृष्ण को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानकर ही प्रेम करती थी। ऐसे ही हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान को नेत्रों से प्रेम पूर्वक देखना, नुपुरों की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होना कानों का रमण है। इसी प्रकार भगवान से दिव्य गंध आ रही है, उसे अमृत की तरह मैं नासिका द्वारा पान कर रहा हूँ। उस समय प्रेम की इतनी मुग्धता हो जाती है कि वह अपने को संभाल नहीं सकता। ऐसी ही बात स्पर्श की है, उससे रोमांच हो जाता है। भगवान मेरे साथ ही हाथ मिलाकर नाच रहे हैं। इस प्रकार नेत्रों से दर्शन, हाथों से स्पर्श, नासिका से दिव्य गंध का ग्रहण, ये सब इंद्रियां और मन का अनुभव है, यही रमण है। इस प्रकार उस मधुर रस का पान करना सबसे बढ़कर साधन है। इसी प्रकार सब भाइयों को करना चाहिए, ये पवित्र शुद्ध रमण है, अन्य कामनाओं का नाश करने वाला है। ऐसे प्रभु के स्वरूप से वार्तालाप, चिंतन, स्पर्श, दर्शन, मनन करके अपने आप को प्रेम में आनंद में मुग्ध होकर भुला देना चाहिए। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 नारायण।
ശരീരാണെന്ന് പൂർണ്ണാണെന്ന് അപാരാണെന്ന് ശാന്താണെന്ന് ഘണാണെന്ന് അതലാണെന്ന് ധ്രുവാണെന്ന് നിത്യാണെന്ന് ഭുജസ്വരൂപാണെന്ന് ജ്ഞാനസ്വരൂപാണെന്ന് ആനന്ദിയാണെന്ന് 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 ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.